तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं टाइनी शॉट्स और आज मैं खेलने वाला हूं माइनक्राफ्ट। और आज मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे बनाना है एक रेड फार्म। तो जल्दी से चलते हैं। पहले आपको ढूंढ लेना है एक विलेजर आउटपोस्ट और उससे 150 ब्लॉक्स दूर जाना है और उससे आगे भी जा सकते हैं। फिर मैं चलता हूँ, चलो यहाँ प्लेन एरिया ढूंढ लेते हैं। चलो कहाँ है, तो मुझे एक प्लेन एरिया मिल गया है, तो थोड़ा सा प्लेन कर देते हैं। और यहाँ हमें बनाना है 10x10 का आउटलाइन पहले। तो चलो जल्दी से बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उधर से भी कर लेना है। तो जल्दी से करते हैं। तो उसके अंदर का भी ऐसा खोखला कर देना है। और ये देखो, ये चलो करते हैं। और ये देखो, ये 10x10 का हो गया। और फिर हमें नीचे 5 ब्लॉक्स और जाना है और वो भी कर लेना है। तो और मैं एक नाइट विजन लगा देता हूँ जिससे कि मुझे दिखता रहे। और चलो जल्दी से कर देते हैं। तो मैंने कर दिया है, तो अब ये भी करना है, तो ये भी जल्दी से कर देते हैं। तो कर दिया है मैंने। और ये 10 ब्लॉक्स है ना, हाँ 10 ब्लॉक्स ही है। और फिर हमें क्या करना है, इसका सेंटर निकालना है। तो जल्दी से निकाल लेते हैं। तो जल्दी से निकाल लेते हैं। तो मुझे पता चल गया है, पर फिर भी ऐसा कर देते हैं। और ये रहा इसका सेंटर। तो आपको सेंटर में पहले 4 ब्लॉक्स लगा देने हैं और ये टेम्पररी ब्लॉक्स पहले तोड़ देते हैं। और ये भी टेम्पररी ब्लॉक्स है सेंटर के। और फिर और हमें ऐसे करना है, मतलब एक छोड़ के एक ऐसे एक दो बार करना है और उसमें एक ऐसे कर देना है। और फिर हमें पहले उन्हें ऐसे नेदर की लकड़ी की फेंस गेट लगा देनी। ये मैंने गलती से लगा दी, फिर मुझे याद आया क्योंकि ये लावा हमें डालना है तो ये जल जाती है, तो हमें नेदर की लकड़ी लगा देनी, वो जलती नहीं है। फिर ये तोड़ देते हैं, मैंने गलती से लगा दी। और फिर हमें ये टेम्पररी ब्लॉक्स तोड़ देने हैं। तो मैं जल्दी से तोड़ के तो मैंने एक मिनट था, तो चलो जल्दी से तोड़ देते हैं। ये क्या कर दिया, ऊपर से तोड़ता हूँ मैं तो क्रिएटिव में बना लाऊ। आप तो सर्वाइवल में भी बना सकते हैं और क्रिएटिव में भी। तो चलो जल्दी से इसके ऊपर लावा डालते हैं। और उससे पहले हमें ये सारे फेंस गेट खोल देने हैं। तो चलो, और फिर हमें ऐसे क्राउच होके ऐसे लावा डाल देना है थोड़ा ये करके। तो चलो ये टेम्पररी ब्लॉक्स तोड़ देते हैं। और फिर हमें ले लेना है एक वाटर बकेट और चारों साइड डाल देना है ऐसे, एक बार, दो बार, तीन बार, और ये हो गया 4 बार। और आपको अगर ये 4 नहीं मिले ऐसे, तो समझ लेना आप कुछ गड़बड़ कर दी। और प्लेजर की हाइट ऊंची होती है इसलिए वो लावा में जलेंगे। और तो
और बनाते हैं, और हमें इन्हें ले चार ब्लॉक्स से उन्हें हमें ले लेना है 20 ब्लॉक्स नीचे। तो जल्दी से लेते हैं, तो एक क्यों आ गए तो मैंने भर के आता हूँ। जल्दी से भर देते हैं, तो मैं जल्दी से भर देता हूँ। तो चलो मैंने ये भर दिया, थोड़ा ही रहा है। देखो मेरी सिस्टम कैसे बनाता हूँ मैं। और चलो 20 ब्लॉक्स नीचे चलते हैं। तो चलो तो अब मैं आ गया हूँ 20 ब्लॉक्स नीचे। और 20 ब्लॉक्स नीचे आने के बाद हमें बना लेनी है यहाँ एक रूम जिसमें हम बना सकते हैं किलिंग चेम्बर। तो जल्दी से एक रूम बना लेता हूँ मैं, और फिर हमें चाहिए एक चेस्ट और एक हॉपर। तो उनके नीचे हमें लगा देना है एक चेस्ट, और फिर लगा देना है हॉपर। तो जल्दी से हॉपर लगा देते हैं, और फिर हमें वो भर देना है, और फिर हमें लगा देना है एक मतलब वो लैडर। वो वहाँ तो जरा थोड़े दूर बना देते हैं, वहाँ हमारा ऊपर फार्म आ रहा है। तो जल्दी से ऊपर बना लेते हैं। एक साइड हम लगाएंगे लैडर ऊपर जाने के लिए, और एक साइड लगाएंगे मतलब एक साइड में रखेंगे वाटर जिससे हम आ सकते हैं, वैसे जिससे हमें सर्वाइवल में आसानी हो। तो चलो हो गया हमारा ये काम। और फिर हमें क्या करना है, ये एरिया थोड़ा प्लेन कर देना है जिससे प्लेजर्स आ सके। और ये सीप भी चली गई, मर भी गई। तो यहाँ एक पेड़ हटा देते हैं, और मेन काम हमें लगा देने हैं यहाँ ट्रैपडोर्स। और सबसे मेन काम तो अभी बचा हुआ है, इसलिए जाना मत। फिर हमें लगा देने हैं ट्रैपडोर से। मैंने कैसे लगा दिए, और चारों साइड ट्रैपडोर्स लगा देने के बाद आता है मेन काम, मतलब हमें इसके ऊपर लगा देना होगा ग्लास। ये तो सबसे मेन काम है। और ग्लास के ऊपर हमें एक वर्क बेंच और एक बेड और एक विलेजर लाना पड़ेगा। मैं तो स्पॉन करूँगा मैग्रोट में, और उसके अंदर एक गोलम भी स्पॉन करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। और चलो ये ऐसे लगा देना है, और लगा देना है एक बेड ऐसे, और यहाँ लगा देना है एक वर्क बेंच। मैं लगा रहा हूँ फ्लेचिंग टेबल, और फिर हमें ऐसे करके सभी तरफ लगा देनी है ग्लास। तो जल्दी से लगा देता हूँ मैं। तो चलो, तो हमें ले लेने एक विलेजर स्पॉन एग, और ये तो फ्लेचर बन जाएगा। लावा से मारने नहीं वाला था कुछ भी मत को। और फिर हमें लगा देना है यह एक आयरन गोलम का स्पॉन एग। चलो अच्छा लगा, मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और फिर हमें ऐसे कर देना है, और ये बाहर कहाँ आ रहा है, जा अंदर जा अंदर। और हमें ऐसे कर देना है,
एक मिनट, मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी है और मुझे गड़बड़ पता चल गया तो मैं जल्दी से उसे दुरुस्त करके आता हूँ, मतलब रिपेयर करके आता हूँ। और अब हमें, मतलब मुझे पता चला है कि हमें यहाँ क्या करना है। आयरन गोलम का जो सिर है वो ऐसे दिखना चाहिए और उसके ऊपर ग्लास लगा देना है और हमारा हो गया है। तो चलो जल्दी से बैड वुमन लेके आते हैं। और यही है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें बैड वुमन मिल गया है, तो चलो जल्दी से चलते हैं। तो चलो, ज़्यादा दूर नहीं, इसलिए पासपोर्ट है तो कहीं भी बना देते तो बहुत ज़्यादा आसानी नहीं होती। तो चलो, ये देखो रेड आ गई और ये मैंने क्या कर दिया, ये हटाना भूल गया। तो चलो, मैं किलिंग चेंबर में आ चुका हूँ और चलते देखते है कि ऊपर क्या चल रहा है। तो देखते हैं। तो ये देखो, ये एक प्लेजर आ गया है बहुत सारे और ये गिर भी गया। तो ऐसे हमारे एमरल्ड कलेक्ट होने वाले हैं। तो मैं चलता हूँ किलिंग चेंबर में और मैं ऐसे थोड़ी देर एफके करने वाला हूँ। तो गाइज, मैंने ऐसे ही एफके किया और आज के लिए इतना ही। फिर मिलते किसी और वीडियो में। आप कमेंट में बताना कि अगली वीडियो में क्या करो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैंने ये यहाँ लाइट के तौर पर ऐसे लावा और ग्लास लगा दिया है, तो आप भी बनाना अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में। और आपको कौन सा फार्म चाहिए बता देना। और ये देखो, मैंने 5 मिनट एफके किया और हमारे 39 एमरल्ड्स कलेक्ट हो चुके। और ये बाकी के मॉब्स आ गए। लेक्चर्स के, बाय बाय।